आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय गाइस, हम यहां पे क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कहा है? बोहर्स बोहर्स थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन टू द आयन लाइक। कौन से आयन के लिए बोहर थ्योरी एक्सप्लेन की जा सकती है? क्योंकि हमें पता है कि बोहर थ्योरी इज एप्लीकेबल टू मोनो एटॉमिक आयन या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, या क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ओके, दूसरा दे रखा है हीलियम प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन चला गया। सो टोटल दो होते हैं, तो एक चला गया तो कितना बचा? एक। सो इट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी, सो दिस इज ट्रू। और लिथियम में तीन होते हैं, सो दो चले गए, सो एक इलेक्ट्रॉन बचा, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। बेरिलियम 3+, बेरिलियम में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीन चले गए, सो एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो दिस इज ऑल्सो सिंगल स्पीसीज। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सारी सिंगल स्पीसीज है, क्योंकि सिंगल मोनोएटॉमिक आयन है, इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। हीलियम प्लस, लिथियम 2+ और बेरिलियम 3+। सो ये तीनों ही क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज यानी जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहता हो। सो बोहर एटॉमिक थ्योरी इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड मोनोएटॉमिक आयन लाइक हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+ एक्सेट्रा। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा वो बोहर एटॉमिक थ्योरी एप्लीकेबल होगी। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी क्लियरली ऑप्शन 4। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। थैंक यू गाइस, कीप सॉल्विंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।